तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड साथ साथ स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक। आपका दोनों चैप्टर एक जैसा ही आपका है, बस यहाँ रूट्स को लेकर ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आपका जो होता है साथ साथ कवर करेंगे आज के चैप्टर में, क्लियर। तो पहले देखते हैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपका जनरल इक्वेशन जहां पे आपका ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? ये जीरो है ना, ये पूरा टर्म कैसा बन जाएगा आपका? जीरो। इक्वेशन कैसा बन जाएगा आपका? लीनियर। बट हम पढ़ क्या रहे हैं पहले? क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक के अंदर फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो टर्म कैसा बन जाएगा, इक्वेशन कैसा बन जाएगा आपका? लीनियर। इसका मतलब इस टर्म को, कोएफिशिएंट को जीरो कभी नहीं होने देना। नाउ सेकंड पार्ट। अब यहां पे जितना नंबर ऑफ डिग्रीज होगा, इस बात को ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ इक्वेशन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बोलो, जीरोस। और क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं? आंसर। सबका मतलब एक ही है। मान लो क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द आंसर, फाइंड द जीरोस, फाइंड द रूट्स, कुछ भी बोलते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। रूट्स को ही जीरोस बोलते हैं, रूट्स को ही जीरोस को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को हम लोग आंसर बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो उसका डिग्री होगा वही उसका रूट्स होगा, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, उतना ही आपका सॉल्यूशन आएगा, उतना ही आपका जीरो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करें यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सब बच्चों को पता है कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, और डिग्री कितना है इक्वेशन का आपका? 2। सो डिग्री इज 2, इसका मतलब कितने रूट्स आएंगे आपके? 2 रूट्स। एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट रूट इज कॉल्ड अल्फा, तो फर्स्ट रूट को क्या मान लेते हैं हम लोग? अल्फा। एंड सेकेंड रूट क्या मान लिया हम लोग? बीटा। वो दिक्कत यहाँ पे, तो दो रूट्स यहाँ पे इमेजिन किया यहाँ पे हम, कि फर्स्ट रूट को अल्फा बोल दिए, सेकेंड रूट को बीटा बोल दिए। अब कंडीशन ये है कि दोनों रूट्स मिलाकर, लाइक यहाँ पे क्या करने वाले, एक बार दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, फिर दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे और चेक करेंगे वैल्यू कितना आना चाहिए। अब रूट्स का मतलब क्या है इसको थोड़ा आपको लॉजिकली बताते हैं। देखो मान लेते कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर सॉल्व करके अल्फा वैल्यू 2 आ गया और मान लो बीटा वैल्यू 1 है, मान लेते यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो ऐसा आया आपका। रूट्स का मतलब ये होता है कि उसका रूट्स का वैल्यू एक्स के अंदर पुट करोगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आरएचएस में लिखा होगा वही आपका एलएचएस में आना चाहिए। अगर RHS में 0 लिखा हुआ है तो अगर मान लो x के प्लेस 2 पुट करोगे तो उसका आंसर कितना हो जाना चाहिए आपका? 0 हो जाना चाहिए। अगर तुम 1 पुट करोगे x के प्लेस पे तो जो भी आपका RHS में लिखा हुआ वही आपका आंसर लेफ्ट में भी आना चाहिए। ये होता है रूट्स का मतलब, क्लियर। तो रूट्स क्या करता है, इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है और बताता है कि x के दो वैल्यू ऐसे हैं पूरे नंबर सिस्टम के अंदर जो इसको LHS को RHS के बराबर कर देगा। दिस अ बेसिक चीज आपको जो समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का बेसिक मतलब क्या होना चाहिए। ये भी समझ में आपको आ गया कि रूट्स 2 होगा तो आपका अल्फा एंड बीटा हम इमेजिन कर पा रहे हैं। तो दिक्कत यहां किसी बच्चे को, आगे बढ़ सकते हैं। देखो इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं आपको हम यहां पे, एक इक्वेशन लेके जल्दी सिंपल सा कोई भी इक्वेशन लेते हैं यहां पे। मान लो मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जस्ट इमेजिन करो आपका कि आपका इक्वेशन लेके चलो कौन सा हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। तो मैंने बोला कि इसका डिग्री कितना है आपका? 2 डिग्री है। तो रूट्स कितने होंगे, क्या क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा। अच्छे से फील करना, अभी सिखाएंगे आपको हम कि रूट्स का मतलब अगर ऐड करेंगे उसका आंसर कितना होना चाहिए। लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा, वो आपको सिखाएंगे। जो ज्यादातर बच्चों को बोलते हैं याद करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इनटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, ये चीज थोड़ा करके दिखाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक काम करते पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो बच्चे बताओ फैक्टराइज करने आता ही होगा, तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बनाते हैं यहाँ पे, दो टर्म बनाते हैं, टर्म नंबर 1 टर्म नंबर 2 कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन करने के अंदर जो वैल्यू होगा सेम आना चाहिए आपके, तो पता ही आपको। एक्स कॉमन कर लो कितना हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पे सेम आना चाहिए, माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, क्या आएगा अंदर? एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन कर लो। अगर दोनों में x माइनस 4 को कॉमन करेंगे यहां बचेगा सिर्फ x और यहां बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है यहां पे कि दोनों फिर अलग अलग सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसे डायरेक्टली बोल लो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे कि LHS इक्वल टू RHS, डायरेक्टली बोलना। अगर तुम 4 पुट किए यहां पे, बात समझना, अगर 4 पुट किए
तो 4 माइनस 4 यहां क्या हो गया, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 3। अब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई का आंसर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे x के प्लस से 4 वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो वैल्यू LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर जाए उसको बोलते हैं रूट्स। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये बात पता चल गया हमको, x के प्लस से 4 पुट करते ही हमारा LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। क्या और कोई नंबर यहां पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली यहां पे आप क्या पुट कर ले हम लोग 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर आंसर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब दो वैल्यू मिला हम लोगों को, कौन सा वैल्यू मिला हम लोगों को 4 एंड 1। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, जो जनरल जो तरीका सॉल्व करने का, एक बार x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे एंड एक बार x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे। x कितना आ गया 4 एंड x कितना आ गया 1। हमने देखा दो रूट्स आया, इस रूट्स का नाम दिया, इसी को रूट्स बोलते हैं। जो आंसर आपका आया ना कि पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS, इसी को रूट्स बोलते हैं। तो x इक्वल टू 4 आप जब सॉल्व किया, आप निकाला आंसर, उसको बोल दिए अल्फा नाम दे दिए, और इसका नाम क्या कर दिए बीटा। सब बच्चे बताना क्या यहां पर हम ऐसा कर ले, एक बार दोनों रूट्स को ऐड कर लेते हैं, एक बार दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बताओ, तो पहले बोलेंगे दोनों रूट्स को ऐड करना, तो बोलेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे सम ऑफ, अब से सम ऑफ रूट्स को हम सोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग सोर। सोर का मतलब क्या होता है, दोनों रूट्स को सम करना। रूट्स कितने मान के चले, अल्फा एंड बीटा, तो करो सम क्या हो गया अल्फा प्लस, तो तुम बताओ बच्चे यहां पे अल्फा प्लस बीटा ऐड करो कितना आंसर आ गया 5। अल्फा प्लस बीटा का आंसर 5 आ गया। इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की क्या बोलेंगे हम लोग 4। बताओ 4 वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का मतलब दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 4 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 4। दो बातें पता चली कि यहां पे रूट्स निकालते हैं पहले फिर सम करते हैं। अगर मान लो जनरल इक्वेशन होता, अगर मैंने बोला होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो रूट्स हमारा क्या होता है अल्फा एंड बीटा। ऐसा क्यों होता, बिकॉज डिग्री कितना यहां पर 2। अब ये चेक करो कि अगर मान लो मुझे चेक करना डायरेक्टली कि हमारा सम ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, क्या डायरेक्टली निकालना पॉसिबल है कि नहीं, तो सेम इक्वेशन से लेकर आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे चेक करना, क्वेश्चन था आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्टली आंसर बोलो, ठीक है। अब बात समझो, अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना हमारा 5। क्या कहीं आपको 5 दिख रहा है क्या, आपको पता ये a की जगह पे कितना लिखा है 1, b की जगह कितना लिखा आपका माइनस 5, और c की जगह कितना लिखा आपका, तो वी कैन सी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इक्वल टू 4 है। अब चेक करना, हमें अल्फा प्लस बीटा कितना चाहिए 5, यहां कहीं 5 दिख रहा लिखा हुआ a b c में, तो b में दिखा माइनस 5, b क्या दिखा माइनस 5, एंड अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, b को a से डिवाइड करो आंसर क्या मिलेगा माइनस 5, बट चाहिए कितना हम लोगों को, इसका तो माइनस एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर। तो मैंने क्या किया, पहले b बाय a पहले लिख लिया यहां पे, चेक करना b बाय a कितना आ गया माइनस 5, एक माइनस साइन बाहर भी लगा देते हैं। अब चेक करो क्या आंसर आपका 5 आया कि नहीं आया, तो फॉर्मूला ऐसे बनकर तैयार हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। द सेम वे अगर मैंने बोला व्हाट इज अल्फा इनटू बीटा, पहले चेक करो कितना आंसर है, अल्फा इनटू बीटा 4 है। अब चेक करते कहां 4 कैसे आएगा, तो ऑब्वियसली सी को ए से डिवाइड करके 4 आएगा। चमका, अगर सी को ए से डिवाइड कर ले आंसर कितना आएगा 4, तो क्या ऐसा बोल ले अल्फा इनटू बीटा कितना होना चाहिए आपका सी बाई ए डायरेक्टली। तो ये तरीका आपका रूट्स निकालने का, अगर रूट्स आपका 2 है, डिग्री आपका 2 है, तो रूट्स भी कितना होगा 2, अगर आपका डिग्री 1 तो रूट्स कितना होगा 1, लाइक ax प्लस b इक्वल टू 0। मैंने बोला ax प्लस b इक्वल टू 0 के अंदर चेक करेंगे, जैसे यहां पे देख लो, अगर मैंने बोला ax प्लस b इक्वल टू 0, यहां पे डिग्री कितना आपका है 1, अगर सॉल्व करोगे तो ax इक्वल टू माइनस b, x कितना होगा माइनस b बाई, इसी को रूट्स बोलना है, इसी का नाम अल्फा कर दिए। जब 2 था तो एक और लेके आ गए अल्फा एंड बीटा, इक्वेशन 3 कर दो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल इक्वल टू 0। अब कितने रूट्स यहां पे 3, कौन सा अल्फा बीटा एंड गामा। अगर आप डिग्री 4 कर लो, अब कितना रूट होएगा 4, कौन सा अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब डिग्री 5 कर लो, अब कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा या थीटा, आपकी मर्जी है, मतलब नाम खुद से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। बस ध्यान ये रखना, नंबर ऑफ डिग्रीज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। क्लियर है डाउट किसी बच्चे को, तो नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम क्लियर करवाएंगे, अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।